सुप्रभात बच्चों, यह कक्षा 6 का पाठ 2 है, व्याकरण और उसका क्षेत्र। इसका बारे में भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, भाषा बोली और व्याकरण जो मेरा वीडियो है उसमें व्याकरण क्या है और उसके क्षेत्र क्या है उसके बारे में मैं भाग 3 में बता चुकी हूँ। आज पुस्तक के अंदर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न या प्रश्न दिए गए हैं उनको हम पूरा करेंगे। पुस्तक की ओर ध्यान दे सकते हैं कि इनमें आपने क्या पढ़ा और विशेष तथ्य क्या है। अब यहाँ देखेंगे शुद्ध कथन पर सही गलत का निशान लगाना है। और शुद्ध विकल्प के सामने चिन्ह दी गई सारणी के उदाहरण देकर पूरा करना था। और ये निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए। तो इन 4 प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर भी उपलब्ध हैं, आप ध्यान दे सकते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? कौन सी भाषा हिंदी भाषा का मुख्य आधार है? व्याकरण शब्द को विच्छेद करके उसका अर्थ स्पष्ट। और अवगत शब्द किसे कहते हैं? पार्ट 2 को पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।